चौधरी हैं, जो पिछले कई साल से ऑटो चलाकर न सिर्फ अपने परिवार का खर्चा चला रही हैं, बल्कि अपने दो बच्चों को बेहतर शिक्षा भी दिलवा रही हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति और पति की सेहत ठीक न होने के कारण संगीता ने अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार की कुछ मदद करने की ठानी। 12वीं तक पढ़ाई करने वाली संगीता ने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ऑटो चलाना सीखा और ऑटो लेकर सड़क पर निकल पड़ी। संगीता बताती हैं, शुरू में तो उन्हें अपने परिवार, मोहल्ले और लोगों के खूब ताने सुनने को मिले, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऑटो चलाकर अपनी आमदनी बढ़ाने लगी। अपनी टेम्पो चलाने की लोकप्रियता के बल पर संगीता 2012 में मेयर का निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुकी हैं। 2009 से चला रही हूं मैं ऑटो और मुझे कम से कम 9-10 साल हो गया है ऑटो चलाते। ये पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, उसमें आप ऑटो चलाती हैं, जो कि पुरुषों का एक तरह से माना जाता है, फिर भी कितनी दुश्वारियाँ हुई, परिवार में कितने लोगों का सपोर्ट मिला, कितने लोगों ने विरोध किया, काफ़ी शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें भी होंगी, क्या रहा पूरा? मेरे परिवार में पहले मुझे बहुत विरोध किया गया था कि आप ऑटो नहीं चलाइएगा, आपको ऑटो चलाने से घर की इज्जत जाती है। तो मैं कहती हूँ, घर की इज्जत नहीं जाती, घर की शान बढ़ती है। सुबह उठकर घर के काम को निपटाने के बाद संगीता का ऑटो सड़कों पर फर्राटे भरने लगता है। उनकी माँ ने तो शुरू में उन्हें थोड़ी दिक्कत और डर तो लगा, लेकिन कुछ कर गुजरने की चाहत ने उन्हें हौसला नहीं हारने दिया। संगीता के दो बच्चे भी अपनी माँ को दुनिया की सबसे बेहतर माँ मानते हैं। कुछ नहीं कहते, आएंगी, सबको 10-10 रुपए देंगे, उसके बाद सबको खाना खाएगा, सबको आराम से रहेगा, सो जाएंगे। फिर तो बेस्ट मास में एक बार है, आप लोग पढ़ाना लिखाना सब कुछ करते हो, क्या करना चाहेंगे अपनी माँ के लिए? मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ। संगीता बताती हैं, शुरू में जो मोहल्ले वाले उनको ऑटो चलाने पर भला बुरा बोलते थे, आज वो उनका बहुत सम्मान करते हैं। संगीता जी, जब पहले शुरू में गाड़ी चलावे लगी तो पूरा मोहल्ला वाले भी नहीं अच्छा जानत रहे, घर वाले भी बहुत खिलाफ चल रहे की मनो नहीं, अरे गाड़ी मत चलाओ। लेकिन फिर भी जब गाड़ी चलाओ चलावे लगी तो पूरा मोहल्ला खुश हो गई ना, घर वाले भी खुश हो गए। आधुनिकता के इस युग में आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, ऐसे में संगीता ने सामाजिक कुरीतियों से लड़ते हुए जिस तरह से अपने बच्चों और परिवार के लिए संघर्ष किया है, उसे देखकर भारत समाचार इस महिला को सलाम करता है। भारत समाचार के लिए विकास शाह की रिपोर्ट।